हेलो पिंकी, हेलो चिंटू। हेलो चिंटू एंड राहुल, हाउ आर यू बोथ? हे फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू बोथ हियर। फ्रेंड्स, तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हां हां राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। सेम हियर गाइस, आई आल्सो गॉट अ नोटिफिकेशन। सो व्हाई नॉट गाइस, लेट्स वॉच द वीडियो टुगेदर एंड लर्न समथिंग न्यू। यस यस, लेट्स लर्न हिंदी। यस, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो छात्रों, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। हरिशंकर परसाई जी का निधन कब हुआ था? तो छात्रों, हरिशंकर परसाई जी का निधन सन 1995 में हुआ था। निधन होता है मृत्यु। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? कैसा चित्रण किया है, मीन करैक्टर कैसा है, उसका बताया हुआ इस पाठ में। प्रेमचंद जी का यथार्थ चित्रण है, मीन रियलिटी दिखाता है, ऐसे लगता है जैसे कि रियल जीवन में हो रहा है। प्रेमचंद का ये फोटो किसके साथ खींचा था? ये जो फोटो था किसके साथ खींचा था? प्रेमचंद का फोटो जो था अपनी पत्नी के साथ खींचा था। किसके साथ खींचवाया था प्रेमचंद जी ने अपना फोटो? अपनी पत्नी के साथ। लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? तो छात्रों बताओ फिर, किस कवि का वर्णन किया है? कुंभन दास जी का वर्णन किया है। लेखक ने इस पाठ में किस कवि का? कुंभन दास कवि का लेखन किया। ये अष्टछाप के कवि हुए हैं। उपहास शब्द में उपसर्ग बताइए। अब उपसर्ग आपने पीछे क्लास में सीखे होंगे, तो उपहास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, मीन जो से पहले प्रयोग होता है उसको प्रत्यय कहते हैं और उपसर्ग कहते हैं, और लास्ट में उपसर्ग। नेम शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो नेम शब्द का तत्सम शब्द मीन संस्कृत हिंदी का शब्द नियम। नेम मीन नियम। हरिशंकर परसाई मूलतः ब्लैंक्स हैं। क्या हैं हरिशंकर परसाई जी? ये एक व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर परसाई क्या हैं? व्यंग्यकार हैं। प्रेमचंद के कैसे साहित्यकार हैं? प्रेमचंद कैसे साहित्यकार हैं छात्रों? प्रेमचंद जो हैं यथार्थवादी साहित्यकार हैं। उन्होंने रियल जीवन का अपने उपन्यासों में वर्णन किया है। प्रेमचंद के फटे जूते गद्य की किस विधा का की रचना है? ये गद्य की किस विधा की रचना है? ये जल्दी से फटे, ये व्यंग्य विधा की रचना है। कोई कहानी होता है, कोई उपन्यास होता है, जो विधाएँ हैं, तो यहाँ व्यंग्य विधा की रचना है।